लगता है ये बच्चा मायावी है। अरे मूर्खो, मायावी मैं नहीं, वो है वो। इससे पहले कि ये मुझे पकड़े, मुझे कुछ करना होगा। कहाँ भागा जा रहा है? चल महाराज कंस के पास। ये तो अन्याय है, आप इस बालक को नहीं ले जा सकते, छोड़िए इसे। मामा श्री से मिल लो शक्टासुर, उसके पश्चात शीघ्र मिलन होगा। काना, 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 बस, अरे नारायण, वो जिसका भी पुत्र हो उसकी रक्षा करना, नहीं तो उसके माता पिता को बहुत कष्ट होगा। उस बालक की रक्षा करना प्रभु। ये होता है माँ का प्यार। मैया तुम धन्य हो। महाराज, उस दिव्य बालक को हमारे सैनिक लेके आ गए। तो विलंब किस बात का, शीघ्र लाओ उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सैनिको, कौन है ये? महाराज वही दिव्य बालक है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये दिव्य बालक है? वाह वाह मेरे बहादुर सैनिकों, जन्म लेते ही कदकाठी में पड़ा हो गया नन्ना सा बालक, जिसकी आयु महीनों में है वो इतने वर्षों का कैसे हो गया? महाराज हम पर विश्वास रखिए, ये वही बालक है महाराज, इसके तेजस की अनुभूति की थी हमने और इसके मस्तिष्क के चारों ओर दिव्य प्रकाश देखा था। मूर्ख सैनिको, मैं कोई दिव्य बालक नहीं, शक्टासुर हूँ। महाराज, आपके मूल सैनिक मुझे दिव्य बालक समझकर उठा लाए। शक्टासुर, यदि इन्होंने मूर्खता की तो तुमने अपना वास्तविक रूप उन्हें क्यों नहीं दिखाया? महाराज क्षमा करें, पर पता नहीं कि ऐसी क्या माया हुई कि मैं अपने वास्तविक रूप में आ ही नहीं पाया। यदि तुम वही शक्टासुर हो तो सिद्ध करो अभी के अभी। महाराज को विश्वास दिलाने के लिए इस संकट से कैसे मुक्त हूँ मैं? बिना मेरी इच्छा के तुम इस संकट से मुक्त कैसे हो सकते हो शक्टासुर? ये कैसे हो सकता है? मैं अपने वास्तविक रूप में आ गया। ये तो सिद्ध हो गया कि तुम ही हो शक्टासुर, पर तुम अपना कार्य पूर्ण करने में असफल रहे। मैंने उस दिव्य बालक का पता लगा लिया है। महाराज, आपका दिया कार्य मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, बस मुझे एक अवसर और चाहिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अखरोर जी महाराज, इन मूर्ख सैनिकों को मृत्यु दंड दिया जाए। बजाओ उन्हें। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज। और शक्टासुर, तुम उस दिव्य बालक को शीघ्र अति शीघ्र मेरे समक्ष पेश करो।
ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। जी महाराज। इस अवसर को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कृष्ण, मैं आ रहा हूँ। आओ शक्तासुर, मैं भी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इन मूर्ख सैनिकों ने मेरा समय व्यर्थ किया। रुको। महारानी अस्थि जी, कहिए। क्या तुम उस आकाशवाणी वाले बालक को ढूंढने जा रहे हो? जी महारानी। यदि तुम उस बालक को पकड़ने में सफल होते हो तो महाराज कंस तुम्हें एक अद्भुत पारितोषिक देंगे। और ये पारितोषिक केवल इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उस बालक को पकड़ो, अपितु इसलिए है क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है। विश्वास ये है कि तुम अपने कार्य में सफल होगे। ये उनका ही नहीं, मेरा भी आत्मविश्वास है कि शकटासुर विजयियों के लौटेगा। ये सुनकर आनंद हुआ। शकटासुर, मेरे समीप भी तुम्हारे लिए एक कार्य है और यदि तुम ये कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करते हो तो मैं तुम्हें महाराज कंस से भी अधिक और तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें पुरस्कार प्रदान करूंगी। महाराज से अधिक और मेरी इच्छा के अनुरूप? हाँ। आदेश कीजिए छोटी महारानी। कार्य वही है, देवकी के आठवें पुत्र को ढूंढ के लाना है, किंतु महाराज कंस के पास नहीं, मेरे पास। परंतु महाराज कंस को ज्ञात हुआ वो तो मेरे प्राण ले लेंगे। इसलिए तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि ये बात महाराज कंस तक ना पहुंचे, और मैं भी सुनिश्चित करूंगी कि ये बात मुझ तक ही सीमित रहे। परंतु वो बालक तो महाराज कंस का काल है। वो बालक, मैं उसे ऐसी जगह छुपाऊंगी जहां उस पर कोई संकट ना आए और ना ही वो महाराज कंस पर कोई संकट बन पाए, और तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार भी मिल जाएगा। अब जाओ, जाकर अपना कार्य पूर्ण करो। जी छोटी महारानी। हे ईश्वर, अब बस शकटासुर को वो बालक शीघ्र मिल जाए। कंस के सैनिकों ने इस उत्सव का रंग बेरंग कर दिया। अब इस उत्सव में कोई रुचि नहीं बची, ना हमें ना किसी और को। मेले में सैनिकों ने जो विनाश किया, हम सभी गोकुलवासियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूध, दही, माखन, सबकी सब मटकियां फोड़ डाली सैनिकों ने, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब हमारे पास कल मेले में बेचने के लिए ना दूध है ना ही दूध से बना कोई व्यंजन। सब गोकुल की गईयां भी रातों रात इतना दूध नहीं दे सकती कि हम कोई नया व्यंजन बना सके। अब तो नारायण ही हमें बचा सकते। कान्हा, अपनी मैया को क्षमा कर दे, ये तेरा पहला उत्सव था ना, मैं चाहती थी कि तो इसका पूर्ण आनंद ले, परंतु ऐसा हो नहीं सका। इस बात की सबसे अधिक पीड़ा तेरी मैया को है। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, मुझे। अभी किससे अपने आंसू छुपा रही थी? मेरा कान्हा तो सब समझता है ना कान्हा? मैया, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा ये लल्ला सब ठीक कर देगा, तुम बस देखते जाओ।
अब क्या देखना है छोटे, क्या नया खेल दिखाने वाले हो? अरे दाऊ, मैया के अश्रु को हंसी में बदलना होगा ना? हाँ छोटे। और वो तभी होगा जब मैया ने इस गोकुल उत्सव को जैसा सोचा था वैसे ही हो, पूरे आनंद और रंग से भरपूर। तो अब हम क्या करेंगे? बस वही जो करना है। मैं समझा नहीं छोटे। सब समझ जाओगे दाऊ, अब बस देखते जाइए कोई आया है जो हमारी इस कार्य में सहायता करेंगे।